मिल गया सबसे बड़ा सबूत, सैलरी के पैसे भी नहीं रखते मोदी, लिफाफा खुला तो मिले सिर्फ 21 रुपए। योगी की जेब रहती है खाली, मोदी के पास भी पैसे नहीं, ना भ्रष्टाचार से कमाई ना अत्याचार से कमाई, सही हाथों में है देश। पीएम मोदी की असलियत जानकर बोल पड़े देश के लोग, ये बोफोर्स और 2G घोटाले वाली नहीं, 100% ईमानदार सरकार है। एक दौर था जब प्रधानमंत्री का सूट बूट लाउंड्री के लिए विदेशों में जाता था, एक दौर आया जब राज्य का एक मुख्यमंत्री विक्टोरिया वाली बग्गी से चलता था, एक दौर तब भी आया जब ताबूत तक में प्रधानमंत्री घोटाले कर लिया करते थे, एक दौर देश ने वो भी देखा जब देश की सुरक्षा के लिए खरीदे गए बोफोर्स में घोटाले कर लिए गए, फिर दौर आया घोटालों की सीरीज का, शेयर बाजार घोटाला, LIC घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, फिर हमने वो भी दौर देखा जब प्रधानमंत्री ना होकर भी एक परिवार शहंशाह बनकर देश चलाता था और पूरे देश से खूब चंदा वसूलता था। इन सब लोगों के पास देश के लिए सोचने का मकसद कम था और खुद के परिवार के लिए पैसा बनाने का वक्त ज्यादा था, वो अपनी तिजोरी भरते चले गए और देश की तिजोरी खाली होती गई। लेकिन फिर देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अपना खजाना भी देश के लिए दान कर दिया, वो अपनी सैलरी भी अपने पास नहीं रखते, और वो नेता नरेंद्र मोदी हैं। मोदी के बारे में हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहेंगे। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली में पीएम पद ग्रहण करने के लिए आ रहे थे तो अपने साथ एक भी रुपए लेकर नहीं आए, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें अच्छी खासी सैलरी मिली, तो इन पैसों का मोदी ने किया क्या? उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कर्मचारी चपरासी रसोइयों में बांट दिया। अब से कुछ घंटे पहले अचानक राजस्थान के एक मंदिर के पुजारी ने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक नई बहस को जन्म दे दिया। कुछ लोग इसका मजाक उड़ाने लगे और मोदी विरोधियों को जैसे बसंत बहार की तरह मौसम मिल गया हुड़कचुल मचाने का। हुआ क्या था ये समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी इसी साल 28 जनवरी को राजस्थान के भीलवाड़ा में मालेश्वरी डुंगरी मंदिर में गए थे और वहां दर्शन किए। मालेश्वरी मंदिर गुर्जर समाज के आराध्य का मंदिर है। पीएम मोदी गुर्जरों के आराध्य भगवान देव नारायण के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवान देव नारायण का जन्म कमल पर हुआ है और यहीं से सीख लेकर पीएम मोदी ने G20 का थीम भी कमल का फूल रखा था। तब मंदिर में एक दान पात्र रखा हुआ था जिसमें पीएम मोदी ने एक सफेद रंग का लिफाफा डाला। 25 सितंबर को जब मंदिर का दान पात्र खोला गया तो मंदिर के पुजारी ने खुलासा किया कि पीएम के द्वारा जो लिफाफा अंदर डाला गया था उसमें 21 रुपए मिले। हालांकि इसी दान पात्र में दो और लिफाफे मिले थे, इनमें एक में 2100 रुपए और दूसरे में 201 रुपए रखे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले सफेद लिफाफे में 21 रुपए मिले। सभी के मन में पिछले करीब 8 महीने से ये सवाल था कि आखिर पीएम मोदी ने मंदिर को कितनी राशि दान दी होगी, तो इसका जवाब आखिरकार मिल ही चुका था। दरअसल इस मंदिर के दान पात्र को एक साल में एक ही बार खोला जाता है। जैसे ही मोदी के लिफाफे की जानकारी सामने आई, विपक्ष से लेकर मोदी विरोधियों की बाँछें खिल गई। लोग कहने लगे कि इतना बड़ा आदमी होकर पीएम सिर्फ 21 रुपए क्यों दान करते हैं। याद है ना कि जब यूपी की एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था, हम तो फकीर है झोला उठाकर चल पड़ेंगे, तब कई लोगों ने मोदी का मजाक उड़ाया। लेकिन अब जब पीएम मोदी ने सिर्फ 21 रुपए मंदिर में दान किए, तब वही लोग पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे। आस्था और दान दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। दान हमेशा अपनी श्रद्धा से लोग देते हैं और अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार देते हैं। दरअसल मोदी के आगे पीछे कोई नहीं, उनको अपने लिए खजाना भरना नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने जिंदगी भर अपना और अपने लाडले राजकुमार के लिए खजाना भरा हो, उन्हें मंदिर में दान किए गए 21 रुपए तो कम लगेंगे ही। मोदी की तरह योगी भी है। याद है ना वो तस्वीर जब योगी प्रयागराज में एक पूजा पर बैठे थे, तभी पंडित जी ने उनसे दक्षिणा की मांग कर दी। योगी जी अपनी जेब टटोलने लगे लेकिन जेब से नोट नहीं निकला, तो बगल में बैठे अधिकारी ने उन्हें नोट दिया और योगी ने पंडित जी को भेंट किया। तभी तो हिंदुस्तान के लोग आजकल बेफिक्र रहते हैं कि केंद्र में मोदी और यूपी में योगी है, जो न खाएंगे न खाने देंगे, और अगर किसी भ्रष्टाचारी ने खा भी लिया तो सूद समेत वसूला भी जाएगा।